इस एरिया को क्या बोलेंगे आप, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। इसके बाद यहाँ पे स्लाइड है आपकी, अगर आपको और भी स्लाइड लेनी है तो यहाँ पे स्लाइड्स ग्रुप है, इसके यहाँ पे न्यू स्लाइड है, इसके ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ब्लैंक आ रहा है, ब्लैंक ले लेंगे आप। लेकिन यहाँ से ये कुछ फॉर्मेट पहले का बना हुआ आ रहा है इसमें, अगर आप यहाँ से कोई सा फॉर्मेट लेते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे तो उस फॉर्मेट की स्लाइड आपके पास आ जाएगी। और अगर आपको यहाँ से डिलीट करना है तो जिस भी स्लाइड को डिलीट करना है उसको आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से डिलीट की कर देंगे वो डिलीट हो जाएगा। आप फर्स्ट टाइम तो आप यहाँ से करेंगे न्यू स्लाइड ले लेंगे ब्लैंक, मतलब न्यू स्लाइड से, लेकिन फिर आप क्या करेंगे कीबोर्ड से नॉर्मली एंटर की करते जाएंगे तो आपके पास स्लाइड आती जाएंगी। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टाइप करना है आपको, पर टाइप नहीं हो रहा था आपका, जैसे हम यहाँ पे कुछ टाइप करें टाइप नहीं हो रहा, तो आप टाइप करने के लिए क्या करेंगे, इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ से वर्ड आर्ट आ रहा है, वर्ड आर्ट के ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से जिस भी फॉर्मेटिंग में टाइप करना है आप वो फॉर्मेटिंग सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं गुड मॉर्निंग, ये लिख दिया हमने गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब जरूरी नहीं है कि आप भी गुड मॉर्निंग लिखो, जैसे आपको फर्स्ट स्लाइड क्या रखनी है, वेलकम गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग, जो भी आपको लेनी है आप यहाँ पे ले सकते हैं। अब ये तो हमने टाइप किया है अपने अकॉर्डिंग, आप चाहते हैं कि ऑलरेडी हम एक ऐसी इमेज लें जो स्लाइड में फिट हो जाए गुड मॉर्निंग या वेलकम की, तो आपको क्या करना है, इसमें बैकग्राउंड डालना है, मतलब की तो बैकग्राउंड लेने के लिए आप खाली जगह पर राइट क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे फॉर्मेट बैकग्राउंड का ऑप्शन मिल रहा है। अगर आप खाली जगह पर राइट क्लिक नहीं करना चाहते हैं फिर क्या करेंगे, डिजाइन टैब है इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखें कस्टमाइज आ रहा है, कस्टमाइज के ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मेट बैकग्राउंड आ रहा है। आपको शायद हो सकता है नीचे नॉर्मली मिल जाए, इसने ग्रुप दिया है कस्टमाइज उसके अंदर दे दिया, तो आप यहाँ पर देखेंगे इस टाइप से आ जाएगा। अब सॉलिड फिल में क्या है, आप कोई एक कलर दे सकते हैं, तो आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे कलर आ रहा है कलर ले लेंगे, आपको जो भी कलर लेना हो। ग्रेडियंट फिल में क्या होगा, आपका मल्टी कलर्स ले सकते हैं आप यहाँ से, पिक्चर एंड टेक्सचर, आपको पता है पिक्चर एंड टेक्सचर, अगर आपको यहाँ से पिक्चर और टेक्सचर टेक्सचर लेना तो आप यहाँ पे देखेंगे टेक्सचर के ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो टेक्सचर बने हुए हैं, तो यहाँ से कोई सा भी सेलेक्ट कर लेंगे। और पिक्चर लेना है तो फाइल सेलेक्ट करेंगे तो ऑफलाइन पिक्चर आएगी आपकी, और ऑनलाइन लेना चाहते तो यहाँ से सर्च कर लेंगे, अपन यहाँ से ऑनलाइन ले लेते हैं। बताइए गुड मॉर्निंग के लिए या वेलकम के लिए। एंटर कर देंगे, जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपने जो भी सर्च किया होगा उसकी इमेज आ जाएंगे, तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे पहले तो आप यहाँ पे देखेंगे और इमेजेस आ जाएंगे। अब आपको यहाँ से जो भी इमेज आपके अकॉर्डिंग अच्छी लग रही है आपको वो आप इंसर्ट कर लेंगे। देखिए इस टाइप से ले रहा है, मतलब ये वाली वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा आप, ठीक है तो आप फिर से ले लेंगे। अगर आपको नहीं आती है तो पहले आप ऑनलाइन ऑफलाइन सेव कर लेंगे और ऑफलाइन फिर से ले लेंगे आप, मतलब ऑनलाइन से सेव कर लेंगे इस टाइप से। अब ये वाली आ जाएगी, वो तो हम बता रहे हैं बाद में अपन चेंज कर देंगे। अब देखिए उसने इसके अंदर ले ली क्यों, क्योंकि ये आपका सेलेक्ट था, अपन ने टैग सेलेक्ट किया था आपने यहाँ पे टैग सेलेक्ट किया था तो उसे आपने अनसेलेक्ट नहीं किया था, तो इसलिए यहाँ पे उसने इसके अंदर पिक्चर ले लिया, तो अपन इसे हटा देते हैं, फिर से अपन इसमें पिक्चर ले लेते हैं। अब अपन वेलकम के लेते हैं, ये नहीं आने नहीं आने दीजिए, छोड़ दीजिए इसे, लेकिन आ जाएगी ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी, देखिए आ गई थी उसके अंदर, नहीं तो आप सोचें कि मैडम ने बताया नहीं है।
आ गई इमेज, ठीक है, इसमें ये लिखा हुआ है, आपको लिखने की जरूरत ही नहीं रहेगी इसमें। और अगर आप इमेज नॉर्मल लेना चाहते हैं और वेलकम टाइप करना चाहते हैं तो इंसर्ट टाइप से आप ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड रहेगी, नेक्स्ट में आपका इंट्रोडक्शन देंगे कि आपका नाम क्या है, कोर्स नेम क्या है, आप कहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी आपका इंट्रोडक्शन रहेगा वो आप यहाँ पे दे देंगे। हम यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे कि जैसे हमने यहाँ पे लिया नेम, तो नाम आपको जो भी देना हो आप यहाँ पे दे देंगे, मतलब जो भी देना हो मतलब आपका नाम। अब हमें यहाँ तो कुछ भी दे देते हैं, आ जाइए। हमने ये नाम दे दिया, इसको मूव करके यहाँ पे रख सकते हैं, या फिर यहाँ आप नेम लिखा तो माय नेम लिख लेंगे आप इस टाइप से। अगर आप इसी में नीचे लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका एंड होगा, यहाँ पे लास्ट में एंड की कर देंगे, यहाँ पे आप कोर्स नेम ले लेंगे, पर हम अलग अलग लेंगे क्योंकि हम इन्हें अलग अलग शो कराना चाहते हैं, और आप एक ही में रहना चाहते हैं तो एक ही में ले लेंगे। फिर से इंसर्ट टैब पर जाएंगे, यहाँ से कोई और सा वर्ड आर्ट लेना है आप वो ले लेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे डीसीए है तो डीसीए लिख देंगे, पीजीडीसी है तो पीजीडीसी लिख देंगे, ठीक है। फर्स्ट और एसटी लगाएंगे, फर्स्ट सेम, तो वो ऑटोमेटिक एसटी आपका ऊपर ले लेगा। इसके बाद आपको और भी कुछ लिखना है, किस सेंटर से कर रहे हैं तो आप यहाँ पे वो भी दे देंगे। अभी एक के ऊपर एक आ रहा तो आप इसे मूव करके नीचे रख देंगे इस टाइप से, तो इतना आ जाएगा आप सभी स्टूडेंट्स को। आप इस टाइप से क्या करना, फर्स्ट स्लाइड लेना, सेकंड स्लाइड में आप आपका इंट्रोडक्शन देना, और थर्ड स्लाइड में आप यहाँ पे टॉपिक ले लेना आपका, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आपको, ठीक है। अब आपको इसको सेव करना है तो फाइल पर क्लिक करेंगे, सेव एस करेंगे और यहाँ से ब्राउज। अब आपको यहाँ से लोकेशन सेलेक्ट करनी है, तो लोकेशन सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे, जी ड्राइव में फोल्डर है उसको सेलेक्ट करेंगे, ओपन कर देंगे। इसको शॉर्ट में पीपीटी बोलते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है। इसको सेव कर देंगे। अब आप यहाँ पे बैक जाएंगे तो यहाँ पे आपका टाइटल शो करा रहा है, अपन ने जो नाम दिया था, ठीक। अब आप इसे क्लोज कर देंगे तो अपन नेक्स्ट डे जो वर्क करेंगे ना उसी में करेंगे। अब बताइए कुछ पूछना है, मतलब हमने क्लोज कर दिया पर हम ओपन कर लेते हैं, इसमें सब कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। अगर आपको ऑनलाइन बनाना तो गूगल और मेल आईडी आपको लॉगिन करनी रहेगी, और उसमें स्लाइड नाम से मिलता है आपको, देखिए जैसे आप यहाँ पे मेल आईडी लॉगिन करके बता रहे हैं हम अगर आपको ऑनलाइन बनाना तो आप उसमें भी बना सकते हैं, बस उसमें ऐसा रहता है कम ऑप्शंस रहेंगे, थोड़े बहुत आगे पीछे रहेंगे। जहां से आपने गूगल डॉक्स और गूगल सीट पढ़ी हुई थी वहीं पे आपको गूगल एप्स में मिलता है स्लाइड, ये है, इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका प्रेजेंटेशन आ रहा है यहाँ पे, ये पहले हमने बनाए होंगे, ये वो प्रेजेंटेशन है। लेकिन अगर आपको कुछ टेम्पलेट्स लेना तो यहाँ पे है, और ब्लैंक लेना है तो इस पे क्लिक करेंगे आप तो आ गया आपका, इसमें भी आपका इस टाइप से ही आ रहा है, बस थोड़ा उसका देखने का तरीका बहुत अलग टाइप का रह जाता है, तो ठीक और एंटर की करते जाएंगे तो आपके पास ही स्लाइड्स आती जाएंगे। फिर इसमें भी आपको यहाँ पे ये है, ये टेक्स्ट बॉक्स, इससे लिखना रहेगा जो भी आप लिखना चाहते हैं, यहाँ पे उसमें बड़ा आर्ट रहता है, ठीक है, और इसे जो भी नाम देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर दे देंगे, ठीक है। तो क्लोज कर दें।